I'm working here as an executive housekeeper. So could you brief me yourself shortly? My name is Jefferson. You are going to join here as an housekeeping attendant or JT? Jagbir is joined as a housekeeping attendant position. Okay. Rahul, yesterday I met with you. Rahul Pandey has joined JT Survey Department. Okay. Namaste, I am Nagendra Yadav. Joined housekeeping department, JT. Good afternoon, everyone. My name is Shruksha Tamam and I'm from Darjeeling, West Bengal, and I'm here training as an employer in the F&B department. Thank you. My name is Shanti Pradhan. I'm from Kalimpong, West Bengal. Now I'm joining F&B department. Thank you. My name is Keshav Bhatt. I'm from basically Nepal. I have joined here as an assistant restaurant manager. Currently, before I was in the lemon tree, Ahmedabad. Thank you. Okay, so now I'm going to tell you about the housekeeping. Housekeeping is a department who is responsible for the entire hotel hygiene and maintenance of the cleanliness. Okay, so जब भी आपके पास queries आएंगी, first of all मैं आपको अपना extension number बता देती हूँ 5. आपके पास अगर हाउसकीपिंग की क्वेरीज आएंगी तो आप लोग जब भी कॉल करना होगा तो एक्सटेंशन नंबर 5 पे कॉल करेंगे. आप लोग अपने अपने एरियाज में जब भी रहेंगे तो आपके पास मोस्टली जो रिक्वेस्ट आएंगी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास कितने कैटेगरीज के रूम्स हैं. हमारे पास रूम्स हैं 4 कैटेगरीज के. Penthouse, superior, clubbing, and executive wing. Amenities जो है provide करते हैं. आप लोग अगर note down करना चाहते हो तो please note it down. Because आप लोगों के पास जब guests आएंगे, आप लोग अपने अपने areas में रहेंगे तो आपके पास हो सकता है कि guests बोले कि मेरे room में ये चीज नहीं थी, वो चीज नहीं थी. तो आप बता सकोगे कि इस room में हम लोग ये चीज on request देते हैं. Superior, penthouse and club room. Washroom में हमारा shampoo, shower gel, conditioner, body lotion, soap. If someone is missing, so at least raise your hand and ask कि मैम ये चीज मिस हो गई है, तो वो उसको रिपीट कर देंगे. It's about all category room or you just saying anyone like penthouse, which one you are saying? तीन categories जो है हमारे, club room, penthouse and superior. इनमें वो सारी चीजें जाती हैं. एक हमारा कैटेगरी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हम लोगों की सारी एमिनिटीज नहीं जाते हैं, कुछ चीजें उसमें ऑन रिक्वेस्ट आती हैं. सो अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. पेंटहाउस, सुपीरियर और क्लब रूम्स में जो एमिनिटीज हम लोग देते हैं, रूम्स में ऑलरेडी प्लेस करते हैं. सोप, शैम्पू, शावर जेल, कंडीशनर, बॉडी लोशन, डेंटल किट, शेविंग किट, शावर कैप, कॉटन रोल, कॉम, ये जनरल कैटेगरी है, मतलब जनरल जो हम रखते हैं वो है. जो स्पेसिफिक होगा वो मैम आपको इसके बाद बताएंगी. ये नॉर्मल है जो हम लोग सारे रूम्स में रखते हैं. वहीं रख दो, रख दो. बाथरूम, लॉन्ड्री बैग, लॉन्ड्री स्लिप, केयर किट, स्लिपर्स,
swing it. It is, I think, very difficult to use this. If the my pass menu hoga na, give that to the menu se likhna itna because it takes lot of time. और सर मैं थोड़ी सी चीज़ें नोट डाउन कर देंगी एग्जीक्यूटिव रूम्स में ये सारी चीज़ें आपके अदर रूम्स पे जाते हैं. एग्जीक्यूटिव रूम्स में हमारे जो है स्लीपर्स नहीं जाता है. स्लीपर्स ऑन रिक्वेस्ट होता है. स्लीपर्स केयर किट शेविंग किट स्विंग किट ये सारी चीजें और रिक्वेस्ट आती है. गेस्ट अगर आपके पास मिलते हैं अगर बोलते हैं कि मेरे रूम में ये चीज नहीं था देन आप लोग बता सकते हो डिफाइन कर सकते हो कि ये सारी चीजें आपके रूम में और रिक्वेस्ट आता है. बट ये सारी चीजें हमारे पेंट हाउस क्लब रूम और सुपीरियर रूम में होते हैं. हम लोग प्लेस करते हैं देते हैं. क्लियर. उसके बाद हमारा क्लीनिंग का क्लीनिंग के लिए केमिकल्स ये नहीं है. आपको बताना है कि हाउसकीपिंग एक्चुअली क्या है. हाउसकीपिंग में क्या होता है और आप लोगों के पास क्वेरीज आ सकती है डेकोरेशंस की. गेस्ट एक्स्ट्रा बेड मांग सकता है. वो सारी चीज़ों के लिए आप हाउसकीपिंग में कॉल करेंगे. अगर कहीं पे कोई चीज़ मिल जाती है लॉस्ट एंड फाउंड कभी कोई गेस्ट कोई चीज़ छोड़ देता है रेस्टोरेंट में या किसी पब्लिक एरिया में देन आप लोगों को इमीडिएट इन्फॉर्म करना है अपने सीनियर्स को. सेम चीज़ 5 पे कॉल करके हाउसकीपिंग में और हाउसकीपिंग में डिपॉजिट करना है. जो इन लोगों के सामने आएगा एंड देन फर्स्ट आई इन्फॉर्म माय डिपार्टमेंट सीनियर. यस फर्स्ट यू हैव टू इन्फॉर्म योर सीनियर देन हाउसकीपिंग में भी आपको इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि फर्स्ट क्वेरीज हमारे पास आएंगी हाउसकीपिंग में आएंगी. फ्रंट डेस्क पे भी इन्फॉर्म कर दो. हाउसकीपिंग में भी इन्फॉर्म कर दो क्योंकि गेस्ट सबसे पहले 9 पे कॉल करके फ्रंट डेस्क पे पूछेगा और हाउसकीपिंग में पूछेगा कि ये चीज़ मेरा मिसिंग है. बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा जैसे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्या होता है उसमें किस किस तरीके की लोग काम करते हैं. जैसे कि अगर उनको एक बायोफिकेशन समझ में आ जाएगा पब्लिक एरिया ये होता है. जैसे कुछ होंगे जिनको नहीं पता हो पब्लिक एरिया में क्या होता है. रूम्स बनाते हैं तो अगर कभी किसी के पास कॉल आ रहा है तो अभी जैसे तुमने अच्छा बताया एक्सटेंशन नंबर इस एक्सटेंशन नंबर पे आपको रूट करना है. वो चीज़ें तुम बताओ जो उनसे रिलेटेड हैं. अगर आप लोगों को लॉन्ड्री एक्सचेंज करना है देन इसकी टाइमिंग आपका 10 to 2 होगा. आप लोगों को नैपकिंस जो आप लोगों का नैपकिंस होता है सॉइल दोगे तो आपके पास एक रजिस्टर होता है उसमें मेंटेन करके सॉइल दोगे और फ्रेश लोगे वो 2 बजे से पहले. आपकी यूनिफॉर्म एक्सचेंज की भी टाइमिंग वही होगी 2 बजे तक. 2 बजे के बाद आप लोगों को यूनिफॉर्म्स नहीं मिलेंगी. ठीक है. यूनिफॉर्म कब देना है कैसे देना है वो जैसे बताया कितनी किसके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अभी तो हमारे पास फेयर में नहीं है. अभी तो वही है जो हम लोग इनको दे रहे हैं 2-2 पीसेस है. 2-2 पीसेस सबको दे रखा है. इससे ज़्यादा तो अभी नहीं है तो वही एक्सचेंज जो हमारा 2 बजे से पहले आप लोग ले सकते हो दे सकते हो. उसके बाद हम लोग जो है यूनिफॉर्म नहीं दे सकते हैं.